हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रतिदिन का हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम, जिसे हम आपके समक्ष लेकर प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। और इसमें देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों को स्थान दिया जाता है, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम उनको आपके समक्ष काफ़ी जो है प्रयास करके और उसको लेकर आते हैं, ताकि आप अपने परीक्षा की तैयारी को बहुआयामी बना सकें। तो हमारा प्रयास यही है कि आप सभी विभिन्न भटकाओं से बचते हुए हमारे इस प्रोग्राम को देखिए और अपने प्रतियोगिता परीक्षा को उस मुकाम तक ले जाइए जहां से आप सफल हो सकें। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं कि आज 7 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि तरंग शक्ति नामक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है कौन? तो भारत। तो द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज नेम्ड तरंग शक्ति इन अक्टूबर नवंबर दिस ईयर विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। द एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेंथेन मिलिट्री कोऑपरेशन एंड प्रमोट स्ट्रेटेजिक अलायंस। तरंग शक्ति इज एक्सपेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड बाय इंडिया, शोकेसिंग द आईएएफ्स कमिटमेंट टू ग्लोबल एंगेजमेंट। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने इस साल अक्टूबर नवंबर में तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने को तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की भागीदारी के साथ इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देना है। तरंग शक्ति के भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास होने की उम्मीद है, जो वैश्विक जुड़ाव के लिए भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये सारे अभ्यास कर रहे हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में इस तरह के महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज होते हैं, चाहे वो नेवी का हो या एयरफोर्स का हो या थल सेना का हो, तो उसके बारे में प्रश्न किए जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले घटनाक्रम की ओर। तो इसमें टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकथॉन का आयोजन करने का भारत सरकार ने जो है फैसला किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं और मध्यम वर्ग के पहुंच से यह दूर हो रहा है। तो पूरे विपक्ष जो है इस पर मुद्दा उठा रहा है कि महंगाई अभी कुछ दिनों से काफी आसमान छू रही है। तो क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। तो टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकथॉन हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंटर टू जनरेट इनोवेटिव आइडियाज फॉर अवेलेबिलिटी एंड फेयर प्राइसिंग ऑफ टोमेटो। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज प्रिपेयर्ड द TGC इन कोलोबरेशन विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स, इंडस्ट्री पर्सन, इंडियन स्टार्टअप्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड प्रोफेशनल्स कैन पार्टिसिपेट इन द TGC इन टोमेटो ग्रांट चैलेंज। तो टमाटर की उपलब्धता और उचित मूल्य निर्धारण के लिए नवीन विचार उत्पन्न करने के लिए केंद्र द्वारा टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकथॉन की घोषणा की गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से TGC को तैयार किया है, यानी टोमेटो ग्रांट चैलेंज को तैयार किया है। छात्र, अनुसंधान विद्वान, संकाय सदस्य, उद्योग के व्यक्ति, भारतीय स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, सीमित देयता भागीदारी और पेशेवर
इस टोमेटो ग्रांड चैलेंज में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टमाटर कितना आम जनों के लिए और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, 2024 में देश का लोकसभा चुनाव है और उसमें केंद्र की चिंताएं यह टमाटर बढ़ा रहा है। तो एक अदना सा टमाटर जो है सभी की मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें खींच चुका है। अगला जो आज का घटनाक्रम है वह है छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। तो सरकार ने छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनका उपयोग दूसरे महत्वपूर्ण निवेशों में किया जा सके, तो इसलिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, मध्य वर्ग को इसमें फायदा पहुंचाने के लिए, आम जनों को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ अ स्मॉल सेविंग स्कीम बाई अप टू 30 BPS फॉर द जुलाई सेप्टेम्बर 2023 क्वार्टर। In a notification, it has been said that the Union Finance Ministry has kept the interest rates of most of the schemes at the same level. तो केंद्र सरकार ने जुलाई सितंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 30 BPS की तक की बढ़ोतरी की है। एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अधिकांश योजनाओं की ब्याज दरें समान स्तर पर रखी हैं। अब अगला क्या घटनाक्रम है, तो है राजकोषीय घाटा। तो ये राजकोषीय घाटा अभी पिछले तिमाही में बढ़ रहा है, घट रहा है या किस स्तर पर है? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा रिलीज बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, द फिस्कल डिफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 स्टूड एट ₹2.1 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ मई 2023 और 11.8% ऑफ द फुल ईयर्स बजट एस्टिमेट। तो महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा मई 2023 के अंत में 2.1 लाख करोड़ रुपए या पूरे साल के बजट अनुमान का 11.8% था। तो यह राजकोषीय घाटा 4-5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर इकोनॉमिक पढ़ रहे होंगे तो अगर ज्यादा राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, इसका मतलब आय कम है, व्यय ज्यादा है, और व्यय ज्यादा किया जा रहा है तो लोगों के पास पैसे पहुंच रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं और इससे महंगाई दर बढ़ रही है। अब अगला आज का घटनाक्रम क्या है, तो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक किसको नियुक्त किया गया? तो पहले तो आप जानते रहे हैं कि सहारा जो है मुख्य प्रायोजक रहा, सहारा के बिखर जाने के बाद जो है, क्योंकि उसके अभी भी जो सुब्रत राय हैं जेल में पड़े हुए हैं और कई सारे लोगों जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा अधर में लटका हुआ है। तो अब प्रतिवर्ष जो है इसके राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर बदलते रहता है। अब जो है 3 साल के लिए इसका प्रायोजक कौन बना है, आइए देखते हैं। तो ड्रीम इलेवन बिकेम द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम फॉर द 3 ईयर्स। फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम इलेवन रिप्लेस्ड बायजू एज द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम। द ड्रीम इलेवन लोगो विल फीचर्स ऑफ इंडियाज जर्सी फ्रॉम द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। तो ड्रीम इलेवन जो सबसे महत्वपूर्ण अभी आप देख रहे हैं एक आपका ऐप है जिस पर आप जो है बहुत सारे गेम खास करके क्रिकेट वगैरह जो है वो खेलते रहते हैं, तो इसी ने 3 साल का स्पॉन्सरशिप लिया है। ड्रीम इलेवन 3 साल के लिए भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रमुख प्रायोजक बना। फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम इलेवन ने भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में बायजू की जगह ली है और बायजू शिक्षा के क्षेत्र में है। ड्रीम इलेवन का लोगो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भारत की जर्सी पर नजर आएगा। अगला जो घटनाक्रम है उसमें तुषार मेहता को पुनः सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। तो द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैज बीन रीअपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट फॉर ए 3 ईयर्स टर्म। तो भारत के मौजूदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को
कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। और सॉलिसिटर जनरल किस आर्टिकल के तहत है आप कहां खोजिएगा पॉलिटी के क्वेश्चन में, आर्टिकल आप पढ़े होंगे सब, तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि सॉलिसिटर जनरल का पद का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है, तभी पता चलेगा कि आप हमारे इस जो प्रोग्राम है उसको कितनी मेहनत से देख रहे हैं, कितना उस पर ध्यान लगा पा रहे हैं। अगला जो आपके समक्ष है घटनाक्रम, उसमें पीएम ने 3 इमारतों की आधारशिला रखी। तो अभी तो आप सोच रहे होंगे कि पहले तो उन्होंने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मेहसाना में रख दी, उसका इनॉग्रेशन भी कई साल हो गया, और दूसरा अभी नया संसद भवन बना दिया, और ऐसे कई सारे वो कार्य कर रहे हैं। अभी लगभग कई राज्यों में 50 आदिवासी संग्रहालय स्थापित किए जाने का प्रयास चल रहा है। तो अब ये नई 3 इमारतें क्या है, तो आइए देखते हैं। पीएम पार्टिसिपेटेड इन द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 3 बिल्डिंग्स। द पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बिल्डिंग एंड एकेडमिक ब्लॉक ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर एंड फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी विच विल बी बिल्ड इन द नॉर्थ कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो पीएम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और 3 इमारतों की आधारशिला रखी। पीएम ने दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर और प्रौद्योगिकी संकाय की इमारत और अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला रखी, जो विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनाया जाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले ही वह मेट्रो से यात्रा करते हुए, सफर करते हुए वह दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे थे, उन्होंने वहां तगड़ा भाषण दिया था। उसके पहले वह जो है अमेरिका से राजकीय भोज पर उनको बुलाया गया था और वहां से लौटे थे, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। तो काफी उनका जो है कई प्रोग्राम प्रतिदिन होते हैं, काफी बिजी व्यक्ति हैं। चलिए अगला जो है वह कार्बन बाजार के गठन को मंजूरी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ए गैजेट नोटिफिकेशन अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिकली रेगुलेटेड कार्बन मार्केट। द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट एम्स टू सेटअप ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट इन द कंट्री। दिस स्कीम विल इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी, टेक्निकल कमिटी, एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एज द कार्बन मार्केट रेगुलेटर। तो केंद्र सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत के पहले घरेलू रूप से विनियमित कार्बन बाजार के गठन को मंजूरी दी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत पहली बार घोषित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 का लक्ष्य देश में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करना। इस योजना में कार्बन बाजार नियामक के रूप में राष्ट्रीय संचालन समिति, तकनीकी समिति, मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का गठन शामिल होगा। अगला घटनाक्रम है कि खानाबदोश रणनीति शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो कनाडा हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी दैट विल क्रिएट टेम्पररी एकोमोडेशन फॉर फॉरनर्स लुकिंग फॉर जॉब्स। द स्ट्रेटजी वुड अलाउ फॉरेन वर्कर्स टू स्टे इन कनाडा फॉर अप टू 6 मंथ। इफ दे गेट ए जॉब ऑफर द पर्सन कैन स्टे इन कनाडा फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द कनेडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग टू अट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम अब्रॉड थ्रू 3 new initiatives। तो कनाडा ने डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की, जो नौकरी की तलाश कर रहे विदेशियों के लिए अस्थायी व्यवस्था करेगी। यह रणनीति विदेशी श्रमिकों को 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति देगी। यदि उन्हें नौकरी की पेशकश मिलती है तो वह व्यक्ति अधिक समय तक कनाडा में रह सकता है। कनाडा की सरकार 3 नई पहलों के माध्यम से विदेशों से प्रतिभाओं को आकर्षित करना चाहती है। तो यह था आज का हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आशा है कि आप
इससे काफी लाभान्वित होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिए और हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।